गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे लगा आज सुबह सुबह आपसे बात की जाए। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे, किसी ने किसी वजह से जो है मैं वीडियो बना पा रही हूँ तो उसको अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। तो आज मैं सुबह जब छत पर आई घूमने, तो मुझे लगा प्लांट्स मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि आज थोड़ी सी आपके साथ बात की कर ली जाए और कुछ सेंटेंसेस जो है रिवाइज कर लिए जाए और नए भी सीख सकते हैं। अब देखती हूँ क्या बोलती हूँ, बिकॉज जनरली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज सेंटेंसेज। आई जस्ट स्विच ऑन माई कैमरा एंड स्टार्ट इट। दिस इज द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस। आई थिंक किसी को भी एक्सपीरियंस होगा वो सब कर लेंगे। ये तो सबसे पहले मेरे फिर वही दोबारा से वही वाले प्लांट्स देख लीजिए। इनको तो मैं कितनी बार देखूँ, आई रियली फील रिफ्रेश्ड, है ना। मैंने क्या कहा, आई रियली फील रिफ्रेश्ड। रिफ्रेश्ड मीन्स फ्रेश हो जाना, एनर्जी आ जाना आप में, ठीक है। रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है ना, जैसे कि अरे गर्मियों में मैंने नींबू पानी पिया और बिल्कुल रिफ्रेश हो गई। कई बार हम कंप्यूटर को भी रिफ्रेश करते हैं, लैपटॉप को करते हैं, मेरे ख्याल फ़ोन को भी शायद करते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, है ना। तो रिफ्रेश, और सुबह सुबह जो है मेरा ख्याल वॉक तो हमें करनी चाहिए, है ना। और अगर मैं ये पूछूँ कि क्या आप वॉक पर जाते हो, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या क्या को पाइप टैंकी सब कुछ दिखाई देगी, ठीक है। मैं आपको कोई एक आधा कोई अच्छा सा पौधा दिखा देती हूँ, सो दैट यू शुड नॉट फील बोर्ड। ये तुलसी है, ये क्या दिखाऊँ, ठीक है चलो ये दिखा देती हूँ। राइट, अगर मैं पूछूँ कि आप वॉक पर जाते हो, वॉक पर जाते हो मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट ते हो। तो मैंने क्या बताया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस चीज का यूज होता है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, डू और डज का। सो इफ यू हैव टू आस्क और आई हैव टू आस्क समवन कि क्या आप वॉक पर जाते हो, डू यू गो फॉर ए वॉक, नो जनरली आई डू नॉट गो, नहीं मैं ज्यादातर नहीं जाता हूं, ठीक है, बिकॉज आई डू नॉट गेट टाइम इन द मॉर्निंग। मुझे ज़्यादातर जो सुबह टाइम नहीं मिलता, बट आई गो इन द इवनिंग, मैं शाम को जाता हूँ। तो ये सारे जो सेंटेंसेज हैं वो क्या है, दे आर प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव में डू और डज का यूज़ होता है, डू और डज के साथ जो होती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ये वाले सेंटेंसेज मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम यूज़ करते टाइम भूल जाते हैं इनको कई बार। रूल्स तो हमें याद हो जाते हैं लेकिन जो है अदरवाइज भूल जाते हैं, राइट। और अगर मैं कहूँ, जैसे सपोज मैं कहती हूँ कि नहीं मैं तो रोज़ वॉक पर जाती हूँ, नो नो एवरी डे आई गो फॉर ए वॉक, राइट। या फिर हाँ जनरली चली जाती हूँ, जनरली आई गो, यूजुअली आई गो, बट समटाइम्स आई डू नॉट गो, ठीक है। कई बार मैं नहीं जाती हूँ, सुबह लेट उठती हूँ, राइट। तो मैं, नहीं नहीं ये बताओ कि कल मैं वॉक पे गई थी, कल आप तो मुझे पार्क में मिले ही नहीं, ओ यस यस्टरडे आई डिड नॉट गो, कल मैं नहीं गई। तो देयर हेयर वी आर यूजिंग पास्ट इनडेफिनिट टेंस, तो यस्टरडे आई डिड नॉट गो, राइट। दोबारा से हमने किसका यूज किया, डू नॉट डिड नॉट का, और जो सिंगुलर के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं, डज का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ठीक है लेकिन तुम्हारी मम्मी क्या, अगर मैं अपने किसी स्टूडेंट से पूछती हूँ तुम नहीं जाते, तुम्हारी मदर जाती है क्या, डज योर मदर गो। अब मैंने यहाँ पर गोज नहीं कहा, डज योर मदर गो, ठीक है, डज के साथ मैंने अब फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो क्या आपकी मम्मी जाती है, नो मैम इवन शी डजंट गो, राइट, नो नहीं शी डज नॉट गो, वो नहीं जाती है, शी गोज। अगर मैंने इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं कहूँगी शी गोज, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने ES लगा दिया, गो का गोज बन गया, राइट। नो शी गोज, जनरली शी गोज, शी डज नॉट गो। तो आपको ये सेंटेंस ऐसे ध्यान रखना है कि जब हम डू और डज का यूज कर देते हैं तो वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म, राइट। और अगर हम पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो देन वी यूज विद सिंगुलर। मैं सिंगुलर की बात कर रही हूँ, जिसको हम हिंदी में एक वचन बोलते हैं, राइट, उसमें है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, राइट। ये जो है ना मेरा रेंजर, इसको पता नहीं क्या होता है, बोल ये डिस्टर्ब करता रहेगा। तो मुझे लगता है आज के लिए ये सेंटेंस काफ़ी है, एंड मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे सारे टेंसेस के सेंटेंस में कुछ कुछ जो है अपनी वीडियोस के थ्रू अपलोड कर दूँ।
ठीक है, और ठंडी हवा चल रही है, देखिए जो है पौधे हिल रहे हैं, ठंडी हवा चल रही मीन्स कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, ठीक है, हवा के चलने को क्या कहते हैं, ब्लो। ओके थैंक यू, बाय बाय, अब मुझे भी स्कूल के लिए तैयार होना है, बाय बाय।